अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। एडी जी, एडी? क्या हुआ तुम्हें? इज एवरीथिंग ओके? अंजलि ठीक है? वो आप रो क्यों रही है? वरुणा रो क्यों रही हो? निधि क्या हुआ अंजलि को? ठीक है ना अंजलि? मत करो उसकी फिक्र इतनी। She does not deserve your care. She does not deserve your love. She does not deserve anything. बचपन में अगर मैंने उसे दिलार प्यार से नहीं रखा होता ना तो सॉरी। तुम क्या कहना चाह रही हो? तुम क्या बोल रही हो अंजलि के बारे में? मुझे लगा था मैं उसे समझा लूंगी। I'm so sorry. क्या कहना क्या चाह रही हैं आप? अंजलि ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं ना उसे? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? Don't talk about her. Don't care for her. He deserve करती वो कुछ भी। क्यों पर ऐसा हुआ क्या है? अंजलि होश में आ गई है, अपने होश खो बैठी। मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो कोमा में है। हा? मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि हम सब कुछ छोड़ के लंदन वापस जा रहे हैं। फील स्टार्ट फ्रेश। मैं टिकट्स भी लेकर आ गई थी और मैं जाकर अंजलि को बताने वाली थी। आई थॉट शी विल बी सो हैप्पी बट लंदन की टिकट्स भी हो गई। अंजलि बहुत खुश होगी। अंजलि अंजलि कहाँ जा सकती है? अंजलि अपने रूम में नहीं थी। मुझे लगा कि वो उसे किसी और रूम में शिफ्ट किया होगा। मैंने डॉक्टर से पूछा, सबसे पूछा, कहीं नहीं मिली अंजलि। हमने फिर सीसीटीवी फुटेज चेक की। जल्दी से पीछे एक घंटे की सारी फुटेज निकाल। वो केयर यूनिट में थी। मैं गई थी उसके पीछे। मैंने उससे कहा, अंजलि ये तुम क्या कर रही हो? करण और प्रीता के बच्चे को मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। अंजलि 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 मेरी बात सुनो। अब बात करने का टाइम निकल गया। नहीं थी मैंने उससे कहा अभी के टॉक टू दिस और वो पागल हो चुकी है। मेरी बात ही नहीं मानी वो। मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे पास आती हूँ, तुम्हारी बात मानेगी वो। मैंने देखा कि प्रीता और तुम्हारी मॉम की हालत इतनी खराब थी। हाउ कुड आई डू दिस टू? मैं फिर से गई उसके पास। मैंने उससे बताने की पूरी कोशिश की। वो मेरी बहन ही नहीं रही। वो समझ ही नहीं रही मेरी बात। निधि तुम क्लियरली बताओ कि हुआ क्या है? वो तुम्हारा बच्चा लेके भाग गई है। और वो तुमसे मिलना चाहती है। बच्चा कब का कहने किसने की? उसे तुमसे मिलना नहीं चाहती। नहीं चाहती वो तुमसे शादी करना चाहती है। निधि को हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए था। पहुंच गई होगी। थोड़ा दूध मिलेगा क्या? तुम्हें लगता है कि यहाँ पर दूध मिलेगा? तो मैं अपने घर से ले आऊं? एक काम करो, किचन में चेक कर लो, टेट्रा पैक रखा होगा। जाओ एक मिनट। हाय। अच्छा बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? ओह सो स्वीट। सुना तुमने इसने क्या कहा? नहीं। इसने कहा ब्यूटीफुल मम्मा, बहुत अच्छी लग रही हो। खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जाओ ना। हाँ हाँ। तुम सनकी लग रही है। मुझे भी तुझे ठीक देख के बहुत खुशी हो रही है। फाइनली तू कोमा से बाहर आ गई यार। गॉड, पता है मुझे तेरे लिए कितना बैड फील हो रहा था। तू बैड फील मत कर, क्योंकि ना सब कुछ अच्छा फील करने का टाइम आ गया है। मेरे सारे सपने पूरे होने वाले हैं।
मुझे मेरा प्यार मिलने वाला है, करण आज मुझसे शादी करने वाला है। मुझे पता था कि एक दिन उसे जरूर रियलाइज होगा कि वो तुझसे प्यार करता है और अपनी लाइफ में वो तुझे ही पार्टनर चूज करेगा। मुझे बहुत खुशी हुई। वो कौन है? वो नर्स है, बच्चे का ख्याल रखने के लिए। करण का बच्चा है, आज ही पैदा हुआ है। तुम यहाँ क्या कर रही हो खड़ी होकर? जाओ ना कमरे में जाकर दूध पिलाओ ना इसे। वैसे ये बच्चा कब? मैं समझाती हूँ। ये बच्चा करण और प्रीता का है। अभी अभी हॉस्पिटल से चुरा कर लेकर आई हूँ। उसी के दम पर करण को यहाँ पर बुलाया है मैंने। और इस बच्चे की वजह से करण मुझसे शादी करेगा। मैं शादी करने वाली हूँ और मैं तुझे नहीं बुलाती, ऐसा कैसे होता? तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बिल्कुल मेरी बहन जैसी है ना। मैं बहुत खुश हूँ यार, फाइनली तू शादी करेगी। मेरी अपनी बहन ने तो मुझे धोखा दे दिया ना, उसकी वजह से मुझे मेरा करण नहीं मिला, उसकी वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ, उसकी वजह से मैं आज इस सिचुएशन में हूँ। सब बर्बाद कर दिया उसने। लेकिन बस अब नहीं, अब मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी, तू देखना। मुझे वो सब कुछ मिलेगा जो मैं डिजर्व करती हूँ, वो सब कुछ मिलेगा जो मेरी किस्मत में लिखा है, जो मेरे लिए बना है। मेरा करण मेरा होकर ही रहेगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।